अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोगों को पता था, लास्ट व्लॉग में आपको मैंने दिखाया था कि अहमद की तबीयत खराब थी और मेरी भी ना कुछ तबीयत खराब थी, लेकिन अगले दिन यानी कि आज मेरी भी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। बाहर मुझे बहुत जा गया था। अभी मैं डॉक्टर पास होके आया हूँ, इंजेक्शन लगवा के आया था, तब थोड़ा आराम है, लेकिन जो मेरा गला है ना वो बिल्कुल पका हुआ है अंदर से भी। अंदाजा आप लोगों को शायद हो रहा हो आवाज से। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जो गंदम की कटाई का सिलसिला वो भी शुरू हो गया। हमारी साइड में नहीं हुआ था, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने शुरू कर लिया था, लेकिन आज जो है हमारी भी साइड में काम शुरू हो गया। ये जिधर भी जितना भी आपको ये नजर आ रहा है ना कटाई, सारी हमारी जमीन है। ये जो आप लोगों को गटरियां नजर आ रही हूँ, ये बंधी हुई, ये जितनी भी है ना, ये हम लोगों ने खुद ही नहीं बांधी हुई, ये हम लोगों ने बंधवाई है। वो भाई लोगों से आपको हो सकते नजर आ रही हो सारे, इसके बिहाफ में हम लोग इनको गंदम देंगे जो इनके सेमे आएगी। वो अब घर वालों को पता है कितनी इनके सेमे आएगी, कितने इनके सेमे नहीं आएगी। और हार्वेस्टर से हम लोग नहीं कटाई करवाते हैं गंदम की, वो इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि उससे तूड़ी नहीं मिलती है। और हो सकता है आप लोगों में से पता हो ज़्यादातर को कि तूड़ी जो होती है वो जानवर खाते हैं। तो अगर हम लोग हार्वेस्टर से कटाई करवाएंगे गंदम की तो तूड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोग वेपर से कटाई करवाते हैं सारी गंदम की। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिनको नहीं पता वेपर का वो मेरे ब्लॉग के दरमियान में जाके हो सकता है आप लोगों को मैं दिखा दूँ, हो सकता है क्या मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और जिनको पता है वो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया। ऐसी बात है उमर भाई, आप क्या देख रहे हो यार इधर गर्मी में? आप क्या देख रहे हो? मैं तो ब्लॉग बना रहा हूँ यार। आप मुझे लेके आए? मैं कहाँ लेके आऊँ यार, क्या हो गया? इतनी जोर का चुभ रहा है, चुभ रहा है। आपकी हरकत ही ऐसी है यार, छोड़ो इसको, चलो घर जाओ, धूप बहुत ज्यादा है पहले ही। क्यों नहीं जाना घर में? अभी मुझे कहता घर बहुत दूर है, ये इब्राहिम है ना, कहा था ना, कहता घर बहुत दूर है, पर घर माशाल्लाह से मरा ये सामने ही है। ये करतूत है इसके, अभी ना किसी चीज को छेड़ना, पहले आपके हाथ में लग गई है। गाँव में कुछ लोग हैं हमारे जिन्होंने हार्वेस्टर से कटाई करवानी, आई थिंक जीरो ये आपको नजर आ रही है ना पहली, ये हमारे हमसाय होगी है, तो इन्होंने भी हार्वेस्टर से कटाई करवानी है, लेकिन हम लोगों ने नहीं करवानी है। आप लोगों को पता लग ही गया होगा, मैंने आपको बता भी दिया है जिसकी वजह से हम लोग हार्वेस्टर से नहीं कटाई करवा रहे हैं। तो अभी वो उधर डेरी लगा दी है भाइयों ने, जो वेपर वाले भाई थे उन्होंने हमें टाइम दिया था तकरीबन 3 से 3:30 का, अभी टाइम 4 बज रहे हैं और 100% मैं श्योर हूँ कि अभी घंटा डेढ़ उनको लग जाए नहाते आते, हो सकता है देर भी हो जाए। ऐसी बात है उमर, कितने बजे का टाइम दिया था? 3 बजे का। ये उम्र 2-3 दफा पता करके आया था, ये हमारा पिद्दा है ना घर का, तो इसको हम लोग भेजते रहते हैं कहीं ना कहीं ना। तो यार देख ले 3:30 हो गए, अभी तक आया नहीं है। तो जाके जूतियां मारो। आप मारो ना, आप 2-3 दफा गए हो, मैं तो भाई गया ही नहीं, अगर मैं गया होता है ये यकीन मान मैंने तो भेजा आज। लेकिन जाना आपको चाहिए भाई, अगर मैं गया होता तो मैंने उसे पूछना था जाके। माशाल्लाह अभी तो ये नीचे से चुगी है, ये भी बड़ा होता है कि ना बड़ा जाया होता है। ये देखें जी हरकतें देखें इसकी। उमर तो ये मैं चैलेंज देना चाह रहा हूँ यार, आज आज मेरा मूड अच्छा है थोड़ा बहुत, तबीयत मेरी नासाज़ ही है, लेकिन चलो नहीं नहीं एक आपको मैं चैलेंज देना चाह रहा हूँ आज यार, अगर आपकी इजाजत हो तो। क्या? पहले चैलेंज बताऊँ या फिर पहले आपको पार्टी का बताऊँ जो मैं दूंगा यार? मैं आपको यार मैं आपको जिंगर बर्गर खिलाऊंगा, ये पक्की बात है। आपने ये करना है, इसको उठा के ना टेरी को गठरी को, वो जो आपको ऊंचाई नजर आ रही है ना जिधर वो भाइयों ने, सुनो सही ना, बहुत इजी है, आपको मैं उठाता हूँ अभी, मैं नहीं उठाऊंगा आपको। ये रुक गठरी है, ये आपको मैं उठवाता हूँ, तो आपने उधर लेके जानी है। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए मेरी तरफ से आपको फ्री का जिंगर बर्गर मिलेगा। तो क्या ख्याल है ब्रह्म, आप उठा लो यार। हाँ, उठाओ हाँ तेरा, चलो वैसे एक दफा ट्राई तू करने में क्या हार जा। नहीं यार बंदा बन जा, तू पहले ही हार मान गया। ऐसे जब मार जो तो जी हो जी, नाम की जाट हैं ये लोग, होता इनसे कुछ भी नहीं है। यार मैंने उठा लेनी थी, मेरी तरह तबीयत खराब है जिसकी वजह से ना मैं उठा रहा नहीं हूँ। ऐसी बात है उम्र, आज भी लेखा से उठा लेनी थी भाई साहब, उठाते रहे हम लोग भी इनको ना, लेकिन अभी जरा तबीयत आपको पता है खराब है, तबीयत खराब क्या वैसे ही कोई फायदा नहीं है उठाने का। तू रेड़ के भी नहीं लेके जा सकता मेरे भाई,
कर कर हाँ जरा उसे तू खोल ना दही उस्ताद जी, लेकिन उधर तक नहीं लेके जा सकता, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। चल बर्गर खिलाऊंगा ले जा। क्या कहेंगे अंकल वो? बेवकूफ के कान और नहीं यार इब्राहिम, अब इतनी बड़ी बात है जी, हवाएं इसकी निकल गई थी बेचारा, इधर से लेके इधर तक आते आते ना इसकी हवा निकल गई है सारे की, कहता मुझसे नहीं अब बोले पाया। भाई घर में जरा दूध पिया करो रोजाना जरा एक गिलास, ठीक है? आप पीते हो? मैं पीता हूँ भाई, इसलिए तो मेरी जान पर नहीं है, देख रहे नहीं हो आप? मार यार ये बीमारी नहीं होती है, मौसम की तब्दीली की वजह से। भाई बोतलें मैं पीता ही नहीं है, बोतलों से मुझे एलर्जी है, मुझे एलर्जी है मुझे बोतलों से। बाकी मैं आपसे शेयर करता रहूंगा, अभी आधे घंटे या घंटे में जितनी देर बाद आएगा पेपर वाला फिर मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो भैया अभी चलते हैं घर, आ जाओ। ओए बंदा बन जा यार, ये जो उम्र है ना कुछ नहीं जाओ आप एंजॉय करो यार जाके, ये पागल है। हाँ उम्र देख ले यार, इसको पता भी है भाई ये गला खराब है, फिर भी मेरे सामने आइसक्रीम खा रहा है। One hour later. अभी भाई सब जो मैंने टाइम बताया था 5 बजे का, पूरे 5:30 आए हैं भाई, और ये होती है तूरी, तूरी यहाँ से निकलेगी, बाकी ये दाने हैं वहां से निकाल निकाल के। अभी मेरी ड्यूटी यही होगी वहां से दाने निकालने और इधर फेंकी जाने इस तरह। बस ब्लॉग के लिए मैं थोड़ा सा ना वीडियो बना रहा हूँ, अभी हम लोग इधर शुरू कर देंगे काम अपना करना। A few moments later. अभी भाई साहब मुझे इन्होंने भेज दिया पानी लेने के लिए, जो उधर भाई लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, हमारे घर वाले चाहते नहीं है कि हम लोग काम करें, हम लोगों को बस ना घुमाने फिराने में काम रखा है, तो हम लोग अभी पानी लेने जा रहे हैं, पानी लेके जाते हैं। 10 minutes later. अभी हम लोगों ने पानी वगैरह भर लिया, पानी है वो हमारी आपी है छोटी, वो कह रही है मैं भी साथ लेके जाओ, लेकिन आपको पता है बच्चों को भी लेके जा सकते हैं। बाकी पानी भर लिया, साथ कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहे हैं, और लेके जा रहे हैं हमारे छोटे भाई उमर भाई, उधर देखना जरा यार इधर बहुत मेहनत करता है ये बच्चा ना यार भी आपको हमें आपको पता है हमारी तबीयत खराब है, इसलिए मैं तो नहीं लेके जाऊंगा, ये लेके जाएंगे, मैं इनके पीछे पीछे आऊंगा। ये पकड़ो ले जो ये, ठीक है तो अभी इधर लेके जाएंगे, मैं अपनी आपी को अंदर छोड़ूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह उमर जो है वो भी हमारा काम में लग गया अभी, चलो यार उठाओ जाके ना, उमर हमारा काम में लग गया अभी, चलो आप भी काम कर रहे हैं। गया भाई सब मैं नहीं कर रहा, वो इसलिए कि चाचू कह रहे हैं कि आपकी तबीयत खराब है और इधर थोड़ी डस्ट है जिसकी वजह से तबीयत आपकी और खराब हो सकती है, तो आप बस देखो, तो मैं देख रही हूँ, पहले भी वेला था अभी भी वेला ही हूँ, बस देख ही रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये माशाल्लाह जी गंदम दांत में क्या है आपके? ये दांत साफ नहीं करता है? नहीं नहीं हाँ चलो कोई नहीं, शर्माते नहीं है भाई, बेशरम इंसान हो आप। बाकी हम लोग बस यहाँ बैठ के देख रहे हैं उम्र को काम करते हुए। माशाल्लाह कदू मई जा रही है, और यहाँ से मैं और चाचू
रेफर से भी जा रहे हैं तोरों के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनती हूँ मैं, बाहर में भी काम कर रहा हूँ, तो अभी ये तोरे हमने रखे हुए हैं सारे, भरते जा रहे हैं साथ साथ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम खत्म हो गया और आपके भाई ने पूरी हेल्प कराई है जी। पसीना आप देख सकते हैं जितना पसीना मुझे आ गया, वैसे मुझे बाहर था लेकिन अब अच्छा नहीं लगता था कि इतनी काम लोग कर रहे हैं और मैं देखता रहूं बस, तो मैंने भी काम करवा लिया। अभी मैं जा रहा हूं, अभी इस पहली में आना है, अभी बस उस पहली का काम खत्म हुआ है। उधर का और जितनी भी मरी आ गई है ना फसलें उधर का, तो मैं यहाँ आने की हेल्प कराने लगा। पहली मेरी बस हो गई है पसीने से, आपकी आपको पता लग ही गया होगा जितनी मेरी हालत खराब हुई है। तो अभी चलते हैं घर में, घर जाके कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। बाकी मैं आपको बताने लगा था, ये लोग आपको पंडे नजर आ रही है ना इधर पड़ी हुई, ये वाली हम लोग जब छोटे होते थे हम लोग इधर छुपन छुपाई खेलते थे, अब तो खैर वो बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं। आप समझ लें कि 5 से 6 साल पहले की बात है, छुपन छुपाई खेलते थे इसकी एज के, आपकी एज के भाई जब हम लोग होते थे। अब तुम बुढ़े हो गए हैं यार, बुढ़े हो गए हम अभी तो। हाँ देखो लगता नहीं ना जवान हूँ अभी, मैं अंदर से मैं जवान हूँ। बाकी ये देखे ना साइड साइड में देखे, हर कुछ फासले बाद ये रखी होती हैं गंडे। काम खत्म हो गया तो बंद ही होनी थी ना, उस पहले का काम खत्म हो गया, अब आई थिंक इधर आएंगे, लेकिन इधर हम लोग कोई हेल्प नहीं कराएंगे, अब हम लोग घर जाएंगे। बहाल में पहली बड़ी हेल्प करा दी है मैंने इनकी। बाकी इधर हम लोग छुपन छुपाई खेलते थे, इधर नहीं खेलते थे मीन्स के इधर छुपने में बड़ा मजा आता था, ऐसी बात है। अभी मैं आपके एक और बंदे से मिलवाता हूँ, मेन बंदा आप कह लें, जो पहली में आया ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई, आई क्यों नहीं आ रहा आप उधर? फहद भाई के लिए दुआ शुआ करें, फहद भाई के लिए क्या हमारे लिए भी दुआ करें, तबीयत हमारी बड़ी ख़राब है। तो अभी बाहर आप आए हो हैरियत, काम शाम हो गया यार, आपके भाई ने फुल मेहनत कराई है बाहर था, फिर भी यू नो मेहनत शेहनत करनी चाहिए बंदे को, आप भी करना सही है। हाँ वो अल्लाह हाफिज़ फहद भाई का, फहद भाई नहीं कोई मेहनत शेहनत करते बकाया, अभी मैं कपड़े शपड़े चेंज करता हूँ घर जाके, फिर आपसे मिलते हैं। 20 minutes later अभी भाई सब नहा के मैं कपड़े पहन लिए हैं, वो उधर धूल बहुत ज़्यादा थी तो बालों में भी और जिसम में भी कह लें आप चिपक गई थी, जिसकी वजह से ना इरीटेशन होती है, तो मैंने नहा के कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए, तभी मैं ऊपर आया था। बकाया ये था हमारा आज का व्लॉग, वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा था जब व्लॉग बनाने का क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब थी, अभी भी मेरा गला फुल आप कह लें सूजा हुआ है, लेकिन इस तरह के लम्हे जो होते हैं ये साल में एक दफ़ा आते हैं, तो मैंने सोचा था एक व्लॉग बना तो अगर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा लाइक करना है सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।